तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को भी अगर परीक्षाओं की टेंशन सता रही है, या फिर आपको ये लगता है कि हम गणित में काफ़ी कमज़ोर है, या फिर आपको ये लगता है कि हमने साल भर तैयारी अच्छे से नहीं की है, हमारा क्या होगा, या फिर आपको ये लगता है कि क्या हम अंग्रेजी विषय में फेल हो जाएंगे, जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक जरूर देखें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही परीक्षाएं नज़दीक आती है तो प्रत्येक विद्यार्थी को परीक्षा को लेकर टेंशन शुरू हो जाती है, जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इसमें सभी कैटेगरी के बच्चे शामिल होते हैं। इसमें वो बच्चे भी शामिल है जिन्होंने साल भर पढ़ाई करी, और इसमें वो बच्चे भी शामिल है जिन्होंने साल भर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी। मगर परीक्षाओं को आते देखकर सभी के मन में ये सवाल जरूर उठता है कि अब हमारा क्या होगा, अब हम परीक्षाओं को लेकर क्या करें, और वो इतने घबरा जाते हैं कि वो पढ़ने की अपेक्षा सिर्फ टेंशन में ही लगे रहते हैं। उनको सिर्फ इसी बात का डर सताता रहता है कि अब परीक्षाएं आ चुकी है, हमारा क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिएगा इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जानते हो समझते हैं कि आप परीक्षा की टेंशन से किस प्रकार से बच सकते हैं और आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो परीक्षा जो शब्द है वो तीन अक्षरों का एक छोटा सा शब्द है, मगर इसके मारे अच्छे अच्छों का मन घबराता है। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा सिर्फ ये आपके साथ ही नहीं हो रहा है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े सूरमा जो है पढ़ने वाले, वो भी इसके मारे घबराते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आप परीक्षा की टेंशन से किस प्रकार से फ्री हो सकते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको पता है कि आपकी परीक्षा बिल्कुल ही नज़दीक आ चुकी है, तो ऐसे में आप किस प्रकार से अपनी परीक्षाओं को टेंशन को कम करके और अपने जो परीक्षाओं में नंबर आने वाले हैं उनको ज़्यादा कर सकते हैं। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल संभव है। तो चलिएगा जानते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से आप अपनी परीक्षाओं की टेंशन को कम कर सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जो मेन पॉइंट आता है वो परीक्षाओं की टेंशन को लेकर आता है। देखिएगा, जितने भी विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं वो भी, और जो विद्यार्थियों ने साल भर पढ़ाई नहीं करी है वो भी, और जो गणित में कमज़ोर है वो भी, और जो अंग्रेजी में कमज़ोर है वो भी, सभी प्रकार के विद्यार्थियों को परीक्षा को लेकर टेंशन बिल्कुल शुरू हो जाती है। जैसे ही परीक्षा शुरू होती है उससे पहले से ही टेंशन में वो आ जाते हैं। तो देखिएगा, इस टेंशन से आप लोग कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने लिए एक टाइम टेबल बनाएं पढ़ाई के लिए। देखिएगा, टेंशन कब होती है, जब आपका दिमाग खाली होता है, सबसे बेसिक बात। और इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक टाइम टेबल बना लें कि हमें इस समय पे ये पढ़ना है, और ज़्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षाओं में सिर्फ वही प्रश्न पूछे जाएंगे जो साल भर आपने पढ़े हैं, और अगर आपने साल भर पढ़ाई भी नहीं करी है तो आप ये करें मोटा मोटा, जैसा कि आपको पता है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रत्येक विषय के 4 सेट जारी किए हैं, तो आप उन 4 सेटों को कम से कम याद जरूर कर लें। और सबसे बड़ी जो बात होती है एक वो है कि आपको एक, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आपके दिमाग में टेंशन तभी होती है जब आप खाली बैठते हैं, तो बिल्कुल खाली ना रहे। थोड़ा बहुत अगर आपको मूड को फ्रेश करना हो या आप पढ़ के थक चुके हो, तो थोड़ा बहुत आपके घर पे जो भी सदस्य लोग हैं, जैसे पापा है या मम्मी है या भैया है, बहन है या भाई है, चाचा ताऊ कोई भी है, उनके साथ में थोड़ा बहुत समय बिताए, अच्छे से थोड़ा बहुत इंजॉय करें, ज़्यादा मौज मस्ती ना करें, पर थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स महसूस करवाए। इस प्रकार से आप लोग अपनी परीक्षाओं की टेंशन को कम कर सकते हैं। और इसी के साथ में अब रही बात आपकी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर, कि आप आपकी परीक्षाओं की तैयारी को किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कठिन विषय माना जाता है कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए, कक्षा 12वीं तक के बच्चों के लिए, वो होता है गणित। तो देखिएगा, गणित विषय को आप कैसे टेकल कर सकते हो ये भी आज मैं आपको बता रहा हूँ। जो बच्चे ऐसा समझते हैं कि हम गणित में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमें तो ये समझो कि एक भी सवाल हल करना नहीं आता है, तो ऐसे में कम से कम आप पासिंग नंबर के लायक इतना गणित जरूर लगाना सीख लें। और खासकर ऐसे बच्चों को मैं सलाह दूंगा कि कम से कम जो स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 4 मॉडल सेट जो जारी किए गए हैं उनको जरूर आप लोग अच्छे से हल करना सीख लें। तो अगर आपने 4 सेट हल करना भी सीख लिया तो आपकी गणित की तैयारी पूरी हो जाएगी। इसमें से लगभग आपके 70% तक प्रश्न आने की संभावना है। और अगर आप होनहार छात्र हैं, गणित आपका फेवरेट विषय है, तो आप इसके लिए और भी तैयारी कर सकते हो, इससे आपको किसी ने नहीं रोका है। अब बारी आती है अंग्रेजी की। कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनको सबसे ज्यादा डर अंग्रेजी विषय से लगता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अंग्रेजी जो विषय है वो डरने का नहीं, समझने का विषय है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो अगर कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी है तो उसके लिए अंग्रेजी अभी इतनी सरल कर दी गई है कि आप 50-60 नंबर तो वैसे भी ला सकते हो। किस प्रकार से ला सकते हो, जैसे कि 5-5 नंबर के 2 पेसेज आते हैं, उनको आप पढ़ के हल कर सकते हो। आपके प्रश्न बैंक में भी दिए गए हैं, और वैसे आपका जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें प्रश्न बैंक में से ही पेसेज पूछे जाएंगे।
दूसरी बात, आपके पास में जो स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जो प्रश्न बैंक को जारी किया गया था उस आधार पर आप पढ़ाई करें और आसानी से आप अंग्रेजी में भी पास हो जाओगे। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको गणित और अंग्रेजी विषय के लिए सॉल्यूशन के रूप में बता दिया है कि जो विद्यार्थी अपने आप को कमजोर समझते हैं गणित विषय में, वो कम से कम गणित विषय के 4 मॉडल पेपर के सवालों को जरूर हल करना सीख लें। इसके अलावा जो विद्यार्थी अपने आप को अंग्रेजी में कमजोर समझते हैं वो अपने लिए कम से कम जो स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा मॉडल पेपर जारी किए गए हैं उनको कम से कम 4 को अच्छे से याद जरूर कर लें। और अगर आपको प्रश्नोत्तर याद नहीं हो पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा एक बात और, अब ये तो हो गई आपकी तैयारी को लेकर, और अगर आपको फेल होने का डर सता रहा है तो इसका भी एक मैं सॉल्यूशन देता हूं कि आपको पेपर में जो कुछ भी आता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि देखो कि आप अच्छे होनार बच्चे हो तो ऐसा करना, आपको ऐसी स्थिति में ऐसा करना जब आपको कुछ भी नहीं याद है। देखिएगा जब आपको कुछ भी चीज़ें याद नहीं है, मान लिया 23 क्वेश्चन एक पेपर में पूछे जाते हैं और 23 क्वेश्चन में से आपको केवल और केवल 10-12 क्वेश्चन ही हल करने आ रहे हैं, तो बाकी क्वेश्चन को ऐसे में आप क्या करते हो कि छोड़कर आ जाते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सारे पेपर को हल करके आए, जिस प्रकार से आपसे बन पड़ता है, जैसा उत्तर आपको आता है उस प्रकार से आप हल करके आए। मगर छोड़ने से ये होता है कि आप ये सोच लो कि आपने खाली पेज छोड़ा है, उसका तो कोई आपको नंबर मिलना नहीं है, मगर उसकी जगह पर आपने कैसा भी उत्तर जो आपसे बन पड़ा उसको लिख आए आप, तो उसका कुछ नंबर आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो अब आगे से ध्यान रखें आप लोग कि पूरे पेपर को हल करके आए, एक भी प्रश्न को छोड़कर नहीं आए, क्योंकि वो जो कॉपी चेक करने वाले हैं कोई आपके टीचर तो है नहीं कि जैसे कि कोई हमारा स्टूडेंट है और हम ही कॉपी चेक करेंगे और उसमें बच्चे ने कुछ ऐसा लिख दिया जो कि वो कुछ उसका उत्तर सही नहीं था, तो ऐसा नहीं कि हम चेक करके उसकी हिंदी करेंगे या उसको बताएंगे कि देख तूने ये गलत लिखा है, तो ऐसा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो, आप चाहे उस प्रकार से अपने उत्तर को लिख सकते हो, मगर ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये ऐसी स्थिति में करना है जब आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखना नहीं आ रहा हो, और अगर आपको लिखना आ रहा है तो और अच्छी बात है। तो इस प्रकार से अगर आप पूरे पेपर को हल करके आओगे तो आप आसानी से प्यारे विद्यार्थियों सभी विषयों में बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हो जाओगे। और रही बात फिर वापस आपकी परीक्षाओं की टेंशन को, तो परीक्षाओं की टेंशन को कम करने के लिए मैं कुछ उपाय आपको बताता हूं। तो देखिएगा किस प्रकार से आप अपनी परीक्षाओं की टेंशन को कम कर सकते हो, तो सबसे पहले तो एक टाइम टेबल बना के पढ़ाई करें और जो प्रश्न आपको याद हो गए हैं उनके उत्तरों को आप लोग लिख लिख के देखें, तो इसमें आपका टाइम काफ़ी चला जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप लिख लिख के देखोगे तो वो प्रश्न का उत्तर आपको अच्छे से याद भी रहेगा। और इसी के साथ में अगर फिर भी आपको परीक्षाओं को लेकर टेंशन होती है तो थोड़ा बहुत आप घर वालों के साथ में डिस्कस करें, आपके टीचर के साथ में डिस्कस करें या आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनके साथ में थोड़ा सा डिस्कस करें और आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। ज़्यादा आपको दिमाग पर परीक्षाओं को लेने की आवश्यकता नहीं है, परीक्षाएँ आती है जाती है। आपने भी देखा होगा कि अब आप कक्षा 9वीं के 10वीं के 11वीं के 12वीं के छात्र पहुँच गए, आप कक्षा पहली से लेकर अभी तक परीक्षाएँ तो देते आए, अभी तक तो आपको बिल्कुल टेंशन हुई नहीं, तो फिर आप क्यों टेंशन होने चाहिए? आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है बोर्ड परीक्षाओं से, बोर्ड परीक्षाएं भी उसी प्रकार से होती है जैसे कि आपकी लोकल परीक्षाएं होती है, मगर हाँ थोड़ा सा कॉपी चेक करने का तरीका जरूर बदल जाता है, उसमें टीचर तभी नंबर देते हैं जब आपने उत्तर को सही लिखा होगा। तो जिन विद्यार्थियों को भी परीक्षाओं को लेकर टेंशन हो रही है वह बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, कोई रोने धोने से मतलब नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करें आप सभी लोग, ताकि आप सभी लोग बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सके। देखिएगा परीक्षाएं आपसे बढ़कर नहीं है, परीक्षाएं आपसे छोटी है, आप परीक्षाओं में बैठते हो आप ही पास होते हो, है ना, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल एकदम फ्रेश माइंड रखकर जो भी समय बचा है इसमें आपको पढ़ाई करनी है। खासकर जो होनार बच्चे हैं उनको लिए मैं सलाह देना चाहूँगा कि जो प्रश्न आपको याद है उनके ऊपर आप ज़्यादा मेहनत ना करें, जो प्रश्न नहीं याद है उनके ऊपर ज़्यादा मेहनत करें और आप पेपर को हल कर करके भी घर पे देखें, बहुत अच्छा पेपर आपके जाने वाले हैं आपकी वार्षिक परीक्षाओं के, बिल्कुल निश्चिंत होकर पेपर दें। और जिन विद्यार्थियों ने साल भर भी पढ़ाई नहीं करी है उनको भी मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग पढ़ाई जरूर स्टार्ट कर दें अगर आपको वाकई में पास होना है तो उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों अब आपकी परीक्षाओं की टेंशन दूर हो जाएगी या आप स्वयं भी इसको दूर कर लोगे, बिल्कुल फ्रेश माइंड रख के आपको पेपर को देना है। तो प्यारे विद्यार्थियों यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप लोग इसको शेयर जरूर करें, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे भी आप इस वीडियो को लगा सकते हो और इसी के साथ में इस वीडियो को आप लोग लाइक करके जरूर जाएं और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को आपकी वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं को लेकर आपको हार्दिक शुभकामनाएं, नमस्कार, जय हिंद जय भारत।